नमस्कार। नवरात्रि चल रही है और इन नवरात्रि के 9 दिनों में तप किया जाता है, अपने आप को शुद्ध किया जाता है और अपने लक्ष्य के लिए एक जुनून पैदा किया जाता है कि जीवन में क्या किया जाए। पौराणिक जमाने में ऋषि मुनि इस 9 दिन में अपने आप को शुद्ध करने का कार्य करते थे, अपने शरीर को तप में करने का कार्य करते थे। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नवरात्रि यानी 9 दिन और 9 देवियां। ये 9 देवियां हमें क्या सिखाती है जीवन में, हमें जीवन में कैसे चलना चाहिए, हमें जीवन में कैसे लक्ष्य पाना चाहिए और किस तरीके से जुनून, उत्साह और उमंग से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, ये नवरात्रि की 9 देवियां हमें सिखाती है। तो ये 9 देवियां हमें क्या सिखाती है, कैसे सिखाती है, ये देखिए। सबसे पहले माता शैल पुत्री, माता शैल पुत्री हिमालय की बेटी भी कहा जाता है इनको। ये इनका दूसरा नाम पार्वती भी है। इन्होंने अपने तप से, इन्होंने अपने अडिग विश्वास से भगवान शिव को पाया। तो माता शैल पुत्री कहती है कि अगर जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास रखना। अगर तुम्हारे अंदर अधिक विश्वास नहीं होगा ना तो तुम लक्ष्य को कभी नहीं पा पाओगे। तो लक्ष्य को पाने की पहली शर्त है खुद पर विश्वास रखना। तो माता शैल पुत्री कहती है कि खुद पर विश्वास रखना, जीवन में कोई भी लक्ष्य हो आप जरूर पालोगे। माता ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी यह ब्रह्म के अनुसार आचरण करती है, यानी अनुशासन में रहती है। माता ब्रह्मचारिणी कहती है कि जीवन में कुछ पाना है तो आपके अंदर अनुशासन रखना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है तो तुम किसी भी लक्ष्य को नहीं पा पाओगे, चाहे वह लक्ष्य आपके लिए आसानी क्यों ना हो, कितना ही सरल लक्ष्य होगा, लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तुम्हारे जीवन में तो तुम एक सरल लक्ष्य को भी नहीं पा पाओगे। तो माता ब्रह्मचारिणी कहती है कि जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। माता चंद्र घंटा, इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्र रहता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। माता चंद्र घंटा कहती है कि हमेशा अपने मन को शांत रखना, जब तुम्हारा मन शांत होगा ना तभी तुम कुछ कर पाओगे। माता चंद्र घंटा कहती है कि अशांत मन से कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तुम्हें सक्सेस होना है तो शांत मन से सोचना होगा, शांत मन से आगे बढ़ना होगा। माता कुष्मांडा, माता कुष्मांडा का मूल स्वरूप सूर्य के समान है, यह सूर्य के समान अपना तेज फैलाती है। माता कुष्मांडा कहती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। यह अपने तेज से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाती है। माता कुष्मांडा कहती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो नॉलेज गेन करते रहना, सीखते रहना। अगर तुमने जब नॉलेज सीखना बंद कर दिया ना, नॉलेज लेना बंद कर दिया तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्कंद माता, इनकी गोद में हमेशा कार्तिकेय बैठे रहते हैं। स्कंद माता हमें कहती है कि लाइफ में प्रेम और करुणा होना बहुत जरूरी है। यह कहती है कि आप जीवन में सफलता के टॉप पे हो, सफलता के शिखर पे हो, लेकिन अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में करुणा नहीं है तो वह सफलता किसी काम की नहीं है, वह सफलता आपके लिए और समाज के लिए जीरो है। तो जब भी आप जीवन में कुछ करो, आगे बढ़ो तो प्रेम और करुणा के साथ में करना, क्योंकि यही आपकी सच्ची सफलता होगी। माता कात्यायनी, माता कात्यायनी को सेहत की देवी भी माना जाता है। माता कात्यायनी कहती है कि अपनी सेहत पर ध्यान देना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। माता कहती है कि अगर आपने सक्सेस पाली और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो वह सफलता आपके लिए जीरो है। आप सफलता के टॉप पर पहुंच कर भी आप शून्य रहोगे। क्यों? क्योंकि वह सफलता आपके लिए कुछ काम की नहीं होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ तो अच्छी नहीं है, आप उस सफलता को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो माता कात्यायनी कहती है कि अपनी सेहत पर ध्यान देना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। माता कालरात्रि, माता कालरात्रि कहती है कि जीवन में कुछ पाना है तो अपने मन में ये दो चीजें रखना,
जिद और साहस। अगर तुम्हारे मन में हट है कुछ पाने का, साहस है कुछ पाने का, तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी तुम चुटकी में सोल्व कर लोगे, बड़े से बड़े लक्ष्य को भी तुम आसानी से पा लोगे। बस अपने मन में हट रखना, जिद रखना और साहस रखना, कुछ पाने का जुनून रखना। अगर तुम्हारे अंदर जुनून होगा, साहस होगा और जिद होगी ना, तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। तुम्हारा लक्ष्य पाने से तुमको कोई नहीं रोक पाएगा। माता महागौरी कहती है कि जीवन में कभी छल कपट मत करना, जीवन में कभी अहंकार मत करना, जीवन में कभी ईर्ष्या पैदा मत करना। अगर तुमने जीवन में कभी छल कपट किया, ईर्ष्या की, अहंकार पैदा किया, तो जीवन में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम उस लक्ष्य को कभी नहीं पा पाओगे। तुम जीरो पर हो जाओगे, तुम बिल्कुल मिट्टी में मिल जाओगे। अगर तुम्हारे मन में छल होगा, कपट होगा, अहंकार होगा, ईर्ष्या होगा। माता महागौरी कहती है कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी कंडीशन में मन में छल कपट मत पैदा करने देना, अहंकार मत आने देना और किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति अपने मन में मत लाना, वरना तुम्हारे जीवन का पतन निश्चित है। माता सिद्धिदात्री, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह सिद्धियां देने वाली देवी है। जो इन आठ देवियों की पूजा करता है, जो इन आठ देवियों की अर्चना करता है, तो माता सिद्धिदात्री फल देती है, आपको जो मन चाहा वर देती है। माता सिद्धिदात्री कहती है कि तुम्हारे जीवन में ये आठ कार्य ऐसे हैं कि अगर तुम कर लोगे ना, तो कोई सा भी लक्ष्य होगा तुम अवश्य पालोगे, किसी कोई सा भी कठिन से कठिन लक्ष्य भी तुम जीवन में पालोगे, किसी भी बाधा को तुम पार कर लोगे।